हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, आप लोगों को बता दें कि राजस्थान के 1,10,000 संविदा कर्मियों में से 30% संविदा कर्मियों का नियमितीकरण इसी माह में कंप्लीट होगा। ऐसे में आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन उठा होगा कि आखिर संविदा कर्मियों का नियमितीकरण होगा तो किस बेसिस पे होगा, तो आप लोगों को आज की इस खबर में प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। बता दें, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण इसी माह में होगा, सरकार ने इस चीज की खुलासा कर दी है। लेकिन कहां पे देरी हो रही है उस बात का भी खुलासा सरकार ने किया है। ऑनलाइन पोर्टल पे संविदा कर्मियों का फीडिंग का जो कार्य चल रहा है उसमें देरी आ रही है। वो कहां पे आ रही है आपको बता दे कि सरकार कैटेगराइज्ड बाय संविदा कर्मियों का नियमितीकरण करेगी और सब कैटेगरी में संविदा कर्मियों की जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन शिक्षा विभाग में संविदा कर्मियों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। 4,000 से 5,000 तक की जनसंख्या है शिक्षा विभाग में। तो शिक्षा विभाग के संविदा कर्मियों का डाटा फीडिंग का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन इसी माह में संविदा कर्मियों का नियमितीकरण 100% होना संभव है। और बता दे कि सीथलन वाला फाइल पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का सिग्नेचर हो चुका है और वो कभी भी निकल सकता है मुख्यमंत्री कार्यालय से। लेकिन उससे पहले एक चीज बता दे कि जब तक संविदा कर्मियों का ऑनलाइन पोर्टल पर डाटा फीडिंग का कार्य कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो फाइल निकल करके भी कोई फायदा है नहीं। तो चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को प्रूफ दिखाते हैं। उससे पहले एक छोटी सी अपील करना चाहेंगे कि संविदा कर्मी से जुड़ी हर खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को एक लाइक करके शेयर जरूर करें। संविदा कर्मी साथियों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ लोग क्या मैसेज कर रहे हैं, कुछ लोग क्या मैसेज कर रहे हैं और उनके वीडियो आ रहे हैं या व्हाट्सएप पे कुछ आ रहा है वो मुझे भी भेज रहे हैं। साथियों, आपको पता है कि सॉफ्टवेयर का काम कैसे हुआ, क्यों हुआ वो आप सब जानते हैं। और आचार संहिता में अभी टाइम है, आचार संहिता में टाइम है, चिंता न करें। आचार संहिता से पहले पहले हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका काम हो जाए। इतना कहता हूँ मैं कि जितना काम अभी तक हुआ है वो संतुष्टिपूर्वक। आपको पता होगा कि सिथलन की फाइल अभी कैबिनेट के पास है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साइन हो गए थे, लेकिन कार्मिक विभाग ने कैबिनेट के साइन भी मांगे हैं, हस्ताक्षर मांगे हैं, तो जल्द वो भी हो जाएंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार अगर काम करने पे हो तो एक दिन में भी हो सकता है और सरकार की आपको पता है मंशा है, तभी तो इतनी कार्यवाही की जा रही है। और अब कोई ऐसा तो है नहीं कि बिना किसी प्रक्रिया के आपका काम तुरंत कर दिया जाए। एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, जल्द ही वो प्रक्रिया पूर्ण करके और आपको पता होगा कि डिपार्टमेंट से फीडिंग का काम है वो होना शुरू हो जाएगा। डिपार्टमेंट है वो फीडिंग का काम शुरू कर देंगे। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, हर विभाग में शिक्षा विभाग सबसे ज़्यादा आदमी है, उसके बाद अन्य डिपार्टमेंट में कम आदमी हैं। किसी में 5 जा रहे हैं, किसी में 4 जा रहे हैं, किसी में 6 जा रहे हैं, 8 जा रहे हैं। तो सभी संविदा कर्मियों के डाटा हैं वो एंट्री होनी है, टोटल के एक भी बाकी नहीं रहेगा। क्योंकि कुछ 5 साल वाले कह रहे हैं कि हमारा क्या होगा, 6 साल वाले कह रहे हैं हमारा क्या होगा, और मैं ये कह रहा हूँ कि जो कोई संविदा में है उसका हर हाल में भला होगा, चिंता न करें। तो चलिए ऐसे ही पल पल की अपडेट खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए वर्ल्ड रिपोर्ट को। तो चलिए आज की खबर बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।